वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। अब देखिए बच्चों, दो आपके पास स्फीयर हैं और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है, 64:27। तो सपोज ये बड़ा वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। इसका वॉल्यूम कितना है V1, इसका वॉल्यूम कितना है V2। इसका वॉल्यूम निकालिए बच्चों कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, करेक्ट। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का रेशियो दिया है यानी कि V1:V2, ये कितना दिया हुआ है आपको, 64:27। तो दिस इंप्लाइज V1 की वैल्यू रखिए, कितनी V1 की वैल्यू, 4/3 πr³। अपॉन V2 की वैल्यू रखिए कितनी, 4/3 πr³ इज इक्वल्स टू 64:27। ठीक, 4/3 कैंसिल आ गए और पाई से पाई कैंसिल हो गया। r³/r³, बच्चों क्या आप इसको r/r³ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि भाई चेक करो ना, a/b³ क्या हो जाएगा, a³/b³। अरे भाई ये क्यूब इसको भी मिलेगा और इसको भी, तो पहले r³/r³ था तो हमने उसको r/r³ लिख दिया, क्या दिक्कत हो गई, इज इक्वल्स टू 64/27 ऐसा हमने कर दिया। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ इस पूरी क्वांटिटी पे क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे तो इस पूरी क्वांटिटी पे क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि r/r इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे, r/r इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4³, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो इसकी जगह आप 3 का, अरे 3 × 3 × 3 तो 27 होता है, 4 × 4 × 4 ही तो 64 होता है। अब देखो इस पे भी क्यूब लगा है, इस पे भी क्यूब लगा है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, r/r³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 4/3³। अब एक बार बताओ बच्चों, जब भी दोनों तरफ क्यूब है तो यहां से जब आप क्यूब हटाओगे तो उस पे क्या लगेगा, क्यूब रूट का मतलब कि पावर 1/3। अरे क्यूब से क्यूब हटा दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ अगर क्यूब है तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ऐसे सोच लो, ठीक है, बात समझ नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, r/r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। कोई डाउट है, ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, यहां पर दोनों स्फीयर के रेडियस का हमने रेशियो निकाल लिया, वॉल्यूम का रेशियो दिया था, रेडियस का रेशियो हमने निकाल लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज, हाँ भाई बहुत बढ़िया, चलो बच्चों सपोज इसका सरफेस एरिया कितना है s1 और इसका a1 बोल दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना है a1 और इसका कितना है a2, ठीक। अब एक बार बताओ बच्चों, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², तो यहां हम लिखेंगे क्या, 4π क्या r² और इसका कितना हो जाएगा, 4π r². अब एरिया का हमें रेशियो उन्होंने पूछा है, यानी कि हम a1/a2 करेंगे, ठीक है, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कर लिया, हटा दें, चलिए। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें इन्होंने पूछा है एरिया का रेशियो, यानी कि a1/a2 कितना होगा, a1/a2 a1 की वैल्यू रखो कितनी, 4πr², a2 कितना हो जाएगा, 4πr². अब देखो बच्चों 4π से 4π कट गया, ठीक, तो दिस इंप्लाइज a1/a2, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, r² / r², दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो इसको हम r/r² क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके रेडियस के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। अगर आप ये निकाल लें r/r² कहीं से निकाल लें तो आपको a1:a2 मिल जाएगा, और चेक करो r/r तो आपको पता ही है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो दिस इंप्लाइज यहां चेक करिएगा, लेफ्ट में भी स्क्वायर करो राइट में भी स्क्वायर करो, तो r/r² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा और 3 को भी, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4×4 = 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3×3 = 9, तो r/r² कितना आ गया बच्चों, 16/9, तो चेक करो a1/a2 कितना आ गया, 16:9, तो योर आंसर इज व्हाट, 16:9, ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है, जब 16:9 दिया तो पक्का आपको एग्जाम में 9:16 भी दिया होगा, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था उसी हिसाब से आपको चलना है भाई, चेक करो ना, इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम, तो हमारा रेडियस का भी रेशियो कैसा आएगा, इसका रेडियस अपॉन इसका रेट, तो हम सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया अपॉन इसका, उल्टा सीधा मत कर देना, पता लगा तुमने a2 को ऊपर रख दिया a1 को नीचे, तो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा, आपका 9:16 आ जाएगा, क्योंकि फिर आप इसको ऊपर रखोगे इसको नीचे, तो स्मॉल r ऊपर मिलेगा और कैपिटल r नीचे, फिर आप इसको पलटोगे फिर 3/4 मिलेगा, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है, जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है, कोई डाउट है बताइए।